इसके हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ चुके थे और हम लोग वापस थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं इसमें। गॉस रिकॉर्डिंग क्या था कि अगर एक कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, क्यूबिक टाइप का भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर कोई गॉसियन सरफेस दिया, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, सपोज चार्ज क्यू चार्ज, इसके अंदर ट्रू चार्ज इनक्लोज है, इसके अंदर बंधा हुआ, इसके अंदर रखा हुआ है, तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? वाई इज इक्वल टू जितना चार्ज इनक्लोज है और वाई में वाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, अगर मान लीजिए अपने को गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है और इस पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एक सरफेस एरिया, इसको डीएस कहते हैं, और डीएस लेना पड़ता है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी यहां से जहां पर कुछ ना कुछ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम ई मान रहे हैं, और यहां पर एरिया वेक्टर होगा डीएस। डीएस एक एरिया है, डीएस एरिया पर परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। तो डीएस वाले एरिया वेक्टर अपना डीएस वेक्टर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए इस पूरे सरफेस का फ्लक्स हम फाई मानते हैं। तो छोटे से सरफेस, छोटे सरफेस में डीएस, डीएस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो डी फाई कहा जा सकता है इसको। अगर पूरे सरफेस के लिए फाई है तो इस छोटे से सरफेस के लिए डी फाई फ्लक्स होगा, और इतना बड़ा फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इसको अगर पोटेंशियल डॉट प्रोडक्ट से, तो ई डीएस कॉस थीटा होता है, जहां पर थीटा क्या होता है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पर अगर देखा जाए इस केस में, तो यहाँ पर ई और डी एस दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा, और ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री वही होता है 1, तो डी फाई बराबर ई डी एस। ये इतना यहाँ पर डी एस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है। अगर पूरे के अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को इस पर इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस, इसको सॉल्व करके निकाला जाता है और आसानी से निकल जाता है। चलिए प्रोसेस भी आप लोग जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ये प्रोसेस और दूसरा गॉस थ्योरम। चलिए गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी क्लासेस में, आगे चलते हैं हम लोग को द्वार पढ़ने लगते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑफ लीनियर चार्ज, एक लीनियर चार्ज है, उस लीनियर चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक डेंसिटी होगा, ये अपने को इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। क्या करना है, फिर से देखते हैं, एक लीनियर चार्ज है, एक लीनियर चार्ज है, सब हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है इसमें, तो टोटल चार्ज का अगर क्यू माना जाए, टोटल चार्ज का क्यू माना जाए, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इसका चार्ज डेंसिटी, सॉरी इसका चार्ज डेंसिटी होगा, उस चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा मानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा स्केलर कहा जाता है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसका चार्ज कितना है, चार्ज तो बहुत सारा होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं इस पूरे
लंबाई है स्क्वायर की चार्ज है क्यू कैपिटल की, और अपने को निकालना है इससे कुछ दूरी पर, सपोज आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर इस पर निकालना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितना होगा इस पूरे चार्ज के कारण, पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा सॉल्यूशन की रिप्लेट करना है पॉइंट पी पर। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास, एक लीनियर चार्ज है सपोज एक लीनियर चार्ज है और लीनियर चार्ज इसका पूरा चार्ज कितना है, पूरा चार्ज क्यू है और इसका सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, याद कीजिए चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ाया गया है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था, याद आया ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका टोटल चार्ज क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा, और इससे कुछ दूरी पर सपोज r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, इस पॉइंट p पर अपने को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा। कैसे निकालेंगे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम लोग गॉस थ्योरम को यहां पर यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए अपने को अच्छे से पता है गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब गॉसियन सरफेस एक होता है, जब गॉसियन सरफेस होगा तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा। और गॉसियन सरफेस के लिए आपको अच्छे से याद है गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है जिसे हम पॉइंट पी पर अपन कैलकुलेशन करना है तो पॉइंट पी से वो पास करेगा, ऐसा गॉसियन सरफेस जो पॉइंट पी से पास करेगा, देखते हैं उसको ड्रा करते हैं। यहां पर गॉसियन सरफेस हम ड्रा कर रहे हैं क्योंकि लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस आएगा सिलिंड्रिकल, बताया हुआ था आपको सिलिंड्रिकल लीनियर चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस आएगा, तो चलिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। ये पॉइंट है पी, तो सिलिंड्रिकल लीनियर चार्ज ये इसका लंबाई अपने को नहीं पता, लंबाई बहुत सारा बहुत बड़ा हो सकता है, चार लीनियर चार्ज का लंबाई बहुत बड़ा हो सकता है हमको नहीं पता, लेकिन इस टोटल चार्ज इस पूरे टोटल पर टोटल लाइन पर चार्ज क्यू है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको हम कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर जो आने वाला चार्ज वो चार्ज क्यू स्मॉल क्यू, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आने वाला चार्ज स्मॉल क्यू है, सरफेस का चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, मतलब इस गॉसियन सरफेस जो सिलिंड्रिकल सरफेस इसका अगर बात करें इसका रेडियस क्या हो जाएगा स्मॉल r, इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r कोड आउट, और इसका लंबाई इस लंबाई को मानते हैं गॉसियन सरफेस की लंबाई को मानते हैं l, गॉसियन सरफेस का लंबाई l जो जो हम लोग कंसीडर करते हैं उसको हम लोग यहां पे लिखते हैं। चलिए लेट देखिए लीनियर चार्ज लीनियर चार्ज है टोटल चार्ज क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक लीनियर चार्ज अपने को मिला जिस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू और उस पर उसका सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना लैम्डा, आपको अच्छे से पता होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय में इस वायर का टोटल लंबाई कितना होगा, टोटल लंबाई हम एल मानते थे क्यू बाय में एल, चलिए इसको बाद में समझेंगे। उस बाद हम क्या किए एक पॉइंट यहां पर पी लिया हुआ है जो इस लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पे, देखते हैं लेट देयर बी अ पॉइंट
at r distance of r from junior shaft. Junior shaft से r distance पे वो था p. अब लोगों ने कैलकुलेट करना है. We draw a हम लोग क्या किए, एक पॉइंट हम लोग मिला था r डिस्टेंस पे. उसके बाद हम लोग क्या किए, जो पॉइंट था उस पॉइंट p का यूज करते हुए पॉइंट पास करके गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए. क्यों, जब लोग क्या कर रहे हैं, गॉसियन को यूज करते हुए बनाना था. गॉसियन तरीका क्या होता है, जब एक गॉसियन सरफेस बनता है उस पॉइंट से पास करता हुआ. यहां पर पॉइंट p से पास करता है गॉसियन सरफेस लिए, तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का है. वही हम लोग लिखते हैं, वी ड्रॉ अ गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस विच पासेज जो पास करता है थ्रू पॉइंट बी, जो बी से पास करता है. Its radius is r, radius r है, लंबाई कितना है l, and its length is l. ऐसे क्वेश्चन सर्कल से लोग मिलेंगे, पॉइंट p से पास करता है, रेडियस r है, लंबाई l. चलिए तो गॉस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि पहले फ्लक्स फॉर्म कर निकलेगा. निकालना अपना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, फिर आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले फ्लक्स ही निकालना पड़ता है. कि हम लोग गॉस थ्योरम को यूज कर रहे हैं और गॉस थ्योरम फ्लक्स के लिए आता है, तो हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. फ्लक्स का कैलकुलेशन करते करते इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. तो चलिए पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं गॉसियन सरफेस पर, पूरा गॉसियन सरफेस पे. तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कितना चार्ज होगा वो, उस चार्ज को हम मानते हैं स्मॉल क्यू. आप लिखना बोल रहे हैं, लिख देते हैं उस चार्ज को मान था स्मॉल क्यू और आंसर नॉट. यहां पर लिख देते हैं वी ड्रॉ द सिलेंडर मोशन सरफेस इज पास थ्रू पॉइंट पी. चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड इन इट, इसमें चार्ज क्यों इंक्लोज किया हुआ, उसके अंदर बंद है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. चलिए आगे, अब हम लोग इस गॉसियन सरफेस पर एक दूसरा प्रोसेस था. फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो तरीके थे, एक था गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम के हेल्प से फ्लक्स निकाल लिए, एक दूसरा था जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई डी कॉस थीटा. उस तरीके से चलते हैं और उसके लिए अपने को ds पर पता करना पड़ेगा, ds कहां है. तो हम लोग क्या करते हैं, ds वहीं पर जहां पर हमें कैलकुलेट करना होता है. छोटा सा सरफेस एरिया यहां पर लिए हैं ds, और ये वेक्टर बन जाएगा ds एरिया वेक्टर, और चार्ज का ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वाला हो सकता है, ये e r का जो कर रहा है e का. चलिए तो हम लोग ds वहां पर किए हैं, लेट देयर इज अ स्मॉल एरिया ds एट p, एट पॉइंट p. p की जगह पर ds एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है और अपने को वहां पर कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स. अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखिए,
कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, सिलिंड्रिकल मोशन सरफेस आया हुआ है, तो सिलिंड्रिकल मोशन सरफेस में तीन फेस है, ध्यान से देखिए, तीन फेस है, एक फेस ऐसा, एक फेस ऊपर का सर्कल और नीचे का भी सर्कल, एक दो और एक तीन फेस है। तो हम लोग फेस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, फेस के हिसाब से तीनों फेस का काम करना पड़ेगा। ये तो डीएस यहाँ पर लिए फेस वन पर, इसको मानते हैं फेस वन है, ये फेस वन, ये होगा फेस टू, ये होगा फेस टू और ये होगा फेस थ्री, ठीक है। तो फेस वन क्या होगा, डीएस क्या होगा देख रहे हो, अगर फेस टू में डीएस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हो सकता है प्लस, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस है, कैसे ले रहे हैं, ये आपका है डी एस और यहाँ पर हम ले रहे हैं, साइड लेते हैं डी एस। तो तीनों कैसे कैलकुलेट कर लो, तब टोटल निकल पाएगा वहां से। चलिए इसका नाम होता है पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, फिर स्मॉल एरिया डी एस एट पी, डी एस एट ए एंड डी एस एट बी, स्मॉल एरिया डी एस एट पी भी है, डी एस एट ए भी है, डी एस एट बी भी है, तीनों फेस का कैलकुलेट करेंगे कि वो फेस फेस पे काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालते हैं तो डी फाइव बराबर, अब इसे डी एस का बात होता है, पर तीन डी एस है, एक दो तीन, तीन डी एस है, तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा से लिखते हैं, ई डी एस कॉस थीटा प्लस EDS cos theta plus EDS cos theta, यहाँ पर एक सिंबल दे देते हैं, ये फेस वन के लिए है, ये फेस टू के लिए है, ये फेस थर्ड के लिए। चलिए तो फेस वन पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखिए तो एंगल जो आपका थीटा, वो थीटा फेस वन के लिए, फेस वन के लिए एंगल देखिए, ये डीएस जो आपका है, डीएस और ई जो है दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल तो उसके बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा, इसका हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा इसका बात करते हैं फेस टू और फेस टू यहाँ पर है, इस पर ध्यान से देखिए, ये आपका लीनियर चार्ज ठीक है, गॉसियन सरफेस आप ये, तो यहाँ से ऐसे गोल घुमा हुआ है इस तरह से, यहाँ से ऐसे गोल इस पार्ट से चार्ज तो ऊपर तक गया होगा लेकिन यहाँ से गोल सरफेस से घुमा हुआ है, यहाँ से ई तो ऐसा निकलेगा जबकि इस पर सरफेस चार्ज ऐसे होगा। फिर से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, एक लीनियर चार्ज है ऐसा जिसका गॉसियन सरफेस कैसे लेगा, तो गॉसियन सरफेस लेगा सिलेंडर ऐसे, सिलेंडर टाइप का ठीक है, जिसमें यहाँ एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर फेस है, सर्कुलर फेस इसे पास किया हुआ है, इस सर्कुलर फेस पर देखिए, इस सर्कुलर फेस पे यहाँ पर हम डी एस लिए ठीक, और डी एस पर एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, जबकि डीएस ऐसे रहेगा, और यहाँ पर जो ई का बात करते हैं, इस पॉइंट पर ई का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का डायरेक्शन किधर होगा, तो इसके कारण तो इधर होगा ऐसे, मतलब ई इस साइड होगा जबकि डीएस ऐसा होगा, तब ई और डीएस के बीच क्या बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे पर देखिए बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर इस जगह पर ई जो होगा, ई का डायरेक्शन इस साइड होगा, इसमें इनका डायरेक्शन इस साइड होगा, उसी तरह पर ई और डी एस के बीच 90 डिग्री बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ई का डायरेक्शन इस साइड होगा, ये ई है, ई का डायरेक्शन इस साइड है, तो ई और डी के बीच यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। नीचे का सरफेस है, नीचे का सरफेस ये सिलेंडर था, ऊपर का सरफेस था, नीचे सरफेस यहाँ पर, नीचे सरफेस ऐसा है, इसमें लोग यहाँ पर डीएस लिए, इस जगह पर डीएस लिए, तो डीएस से यहाँ पर एरिया वेक्टर नीचे बनेगा और इसमें ई कैसा जाएगा, इसे
ऐसे है और डीएस नीचे, तो डीएस और ई के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। मतलब क्या हुआ कि फेस वन पे दोनों के बीच थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, फेस टू और फेस थ्री पे दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, तो डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू 0, कोस 90 का वैल्यू 0 कैंसिल और खत्म हो गया। ई डी एस कोस 0 वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस, फेस 1 के लिए बचा हुआ है, फेस 1 के लिए ठीक है। फिर डी फाई क्या निकला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, कहाँ के लिए, तो छोटा सा पार्ट डी एस का इस डी एस पे निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको तो पूरा सरफेस भी निकालना है, ऊपर नीचे को जीरो हो चुका उसका बातें नहीं है, लेकिन जो गोला ये सर्कुलर है उसका हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल है कितना होगा, तो वो टोटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं फॉर होल सर्कुलर सरफेस, और होल सर्कुलर सरफेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको डी फाई इक्वल टू ई डी एस। अच्छा डी फाई का फाई बन जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद डी फाई छोटा सा प्लस था पूरे के निकाल के पूरा प्लस वहां पे फाई, तो फाई हो गया। और ई डी एस यहाँ पर देखिए ई आपका कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इस चार्ज यू लिमिट चार्ज के लिए इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो बदल नहीं रहा वो फिक्स है। डीएस मेरा बढ़ सकता है, डीएस मेरा चेंज हो सकता है, डीएस छोटा सा एरिया है, डीएस बढ़ते बढ़ते बड़ा होगा पूरे जो पूरा गोल होता जाएगा ये फिर बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरुआत में छोटा सा है तो डीएस चेंज हो सकता है, तो डीएस मेरा वेरिएबल है लेकिन ये मेरा कॉन्स्टेंट है डीएस। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ई इनटू डीएस, डीएस को इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा एस बनेगा, और एस का मतलब यहां पर क्या है इसका सर्कुलर सरफेस एरिया, सर्कुलर सरफेस एरिया, और सिलेंडर है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इनटू एल, 2 पाई आर इनटू एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर इनटू एल। डीएस जो है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एस बनेगा, एस का मतलब यहां पर ही इसका सर्कुलर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसको कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कर्व लिखते हैं, तो E का यहाँ पर जाएगा 2 पाई आर ए, ये निकल गया फाई बराबर कैसे इक्वेशन 2 और के बाद का इक्वेशन फर्स्ट, तो दोनों को कैलकुलेट करें, दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट और फाई बराबर ई 2 पाई आर एल आया हुआ है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो E into 2 pi r l equal to q by epsilon naught, यहां से E कैलकुलेट होगा q by epsilon naught into 2 pi r l। अच्छा q ये q बराबर, चूंकि q जो है लीनियर चार्ज है सरफेस क्वेश्चन सरफेस के अंदर पैक वाला, तो q बराबर कह सकते हैं लैम्डा बाय में एल, यहाँ पर लैम्डा क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी, मिस्टेक लैम्डा बराबर q बाय में एल लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ से हम लोग q कैलकुलेट करना चाहे q बराबर क्या आएगा लैम्डा इनटू एल, तो चलिए आप पुट करते हैं E equal to Q round by lambda into L, lambda into L by epsilon naught 2 pi r l, यहाँ L इसको कैंसिल करके ऊपर नीचे जो हमारे पास बचा वो क्या बचा E equal to बच गया 1 by 2 pi epsilon naught into
लैम्डा बाय 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पी जो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके कारण लीनियर चार्ज के कारण, इस लीनियर चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसमें आएगा। अगला टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक पॉइंट पर होगा वो कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं ऐसे क्या हो रहा है, फिर से समझते हैं इसको। एक सरफेस चार्ज आपको क्लियर हो रहा है, ये सरफेस चार्ज है मतलब थिन सरफेस चार्ज, मतलब इतना पतला है कि इसको एक ही तरह का चार्ज ऐसे नहीं कि पतला है। और ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर अपने को निकालना है कैलकुलेट करना है। इक्वेशन के कहने का मतलब क्या समझते हैं, एक सरफेस चार्ज दिया हुआ है, सरफेस चार्ज पतला सरफेस है, मतलब पतला सरफेस है, ऐसा है कि इस पर जो चार्ज इधर से दिख रहा है वही सेम चार्ज इधर से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसा रहा एक ऐसा सरफेस है इस पर ध्यान से देखिए तो इधर कुछ अलग चार्ज है इधर कुछ अलग चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पर वही चार्ज सेम इधर नहीं है, ये अलग चार्ज है, ये अलग काम करेगा ये अलग काम करेगा। जबकि पतला सरफेस बोले उसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि जो चार्ज इधर से जो इफेक्ट दिखा रहा है वही चार्ज है जो इधर भी इफेक्ट दिखा रहा है, कोई दूसरा चार्ज नहीं है, समझ पाए, ये सेम चार्ज है। अब अगर ये मोटा होता तो इधर का चार्ज कुछ अलग इफेक्ट दिखाता है, इधर का चार्ज अलग कुछ अलग इफेक्ट दिखाता है, दोनों चार्ज अलग अलग होते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों सेम चार्ज है, जो पॉजिटिव आपको यहाँ से दिख रहा है पॉजिटिव इधर भी दिख रहा है, जो पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव इधर भी दिख रहा है, ऐसा है, ठीक है, इतना पता। तो इसके कारण इस सरफेस चार्ज के कारण पूरा सरफेस पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ इस पे, इस सरफेस चार्ज के कारण इस पॉइंट मान लेते हैं पी, इस पी पर कितना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है, इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर उस पॉइंट से पास करा तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसा होगा, हम गॉसियन सरफेस दो तरीके का ले सकते हैं, यहाँ पर एक क्यूबिक हो सकता है, क्यूबिक क्यूब के शेप का, और एक दूसरा हो सकता है सिलेंडर का। ऐसे में गॉसियन सरफेस के लिए कहा गया है कि कम से कम फेस वाला सरफेस आपको लेना है, तो सिलेंडर में कम से कम मतलब क्यूब और सिलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो सिलेंडर में कम से कम फेस होता है, क्यूब से कम फेस होता है उसमें, इसलिए यहाँ पर लोग सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो पॉइंट है पॉइंट पी, उस पॉइंट पी से पास कराने है सिलेंडर, जो इससे पास करता है वो चला जाएगा। यू मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पर एक पाइप रखा हुआ है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर पी है और ये घुस गया अंदर, ये अंदर ऐसे सरफेस के अंदर घुस गया, आर पार हो गया, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस के ऊपर ट्रीट करेंगे, देखते हैं ड्रॉ करते हैं पिक्चर। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से पास करना है आपको,
ये पिक्चर को थोड़ा इमेजिन करिएगा, ये मान लीजिए सरफेस है, सरफेस के इधर से उधर एक सिलेंडर, एक पाइप कह सकते हैं उसको, पाइप इधर से उधर घुस गया, उस टाइप का पिक्चर है। और इसका जो ये सरफेस है एंड फेस, इस एंड फेस पर पॉइंट पी, ठीक है, और इस पी पर अपने कैलकुलेट करना है गॉसियन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक है। जो पाइप टाइप का शेप दिखा रहा है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग लिए जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक। चलिए तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सरफेस से, सरफेस से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ठीक है। सरफेस का वो होने पड़ेगा, चलिए ये सरफेस चार्ज में, सरफेस चार्ज में टोटल चार्ज भी है क्यू कैपिटल के, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो यहां पर चार्ज आएगा, यहां पर जो चार्ज होगा इसके कारण पर इफेक्ट पड़ेगा गॉसियन सरफेस के अंदर, जो इनक्लोज होगा चार्ज, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज होगा, पाइप के अंदर इनक्लोज होगा, वो चार्ज को मानेंगे स्मॉल क्यू, इस चार्ज को मानेंगे स्मॉल क्यू, ठीक है। और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा। चलिए तो लेट देयर इज अ सरफेस चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी
एस टू है पॉइंट, उसको पी मान लीजिए मान लेते हैं ए पॉइंट ए, और इसको मान लीजिए यहाँ पर लिमिट फेस ओवर कर्व कर्व सरफेस है, कर्व फेस यहाँ पर है, इसको यहाँ पर ये भी आपका है डी एस, यहाँ पर एरिया वेक्टर हो जाएगा डी एस एरिया वेक्टर पॉइंट डी पर। यहाँ पे तीन फेस हमको मिला, तीन फेस सिलेंड्रिकल तीन फेस होता है, एक फेस इस साइड का, एक फेस इस साइड का, एक फेस इसमें कहीं भी हो सकता है। तो इस फेस के कारण इधर पे एरिया वेक्टर होगा जो पॉइंट ए पर लिया हुआ है, इस पर यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर मान लिए, और इधर एक एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। तीन फेस सिलेंडर के लिए और तीनों का ले लिए डी एस डी एस। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं थोड़ा सा, लेट हम लोगों ने क्या माना डी एस, देयर आर स्मॉल एरियाज डी एस एट पी कॉमा डी एस एट ए एंड डी एस एट बी। डीएस नीचे होती है हमने, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो डी फाइव बराबर हम लोग जानते हैं ई डीएस कोस थीटा प्लस ई डीएस कोस थीटा प्लस ई डीएस कोस थीटा, ये फेस वन के लिए, फेस टू के लिए, फेस थ्री के लिए। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। फेस वन का बात करते हैं, हमें थीटा का वैल्यू देखते हैं, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो फेस वन, फेस वन कहाँ है, इस जगह पर है। ये देखिए ये सरफेस चार्ज है, और सरफेस चार्ज यहाँ सिलेंडर से निकला हुआ पाइप, और यहाँ पर फेस है, इस फेस पर डीएस, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है इस फेस का, तो इस फेस पर है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर तो इस साइड है डीएस, ठीक। और इसके कारण यहाँ पर जो चार्ज इसके अंदर पाइप के अंदर चार्ज इंक्लोज है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या तो इधर होगा या तो फिर इधर होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जो इधर से दिख रहा है वही तो उधर से दिख रहा है, सब बताए थिन सरफेस है, जो पॉजिटिव इधर से दिख रहा है वही पॉजिटिव, लाइन इधर भी निकल सकता है ऐसे ऐसे, लाइन उधर भी निकल सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर से ऐसे ऐसे निकल सकते बहुत सारे लाइन, उधर से वैसे निकल सकते बहुत सारा लाइन, क्लियर। तो इधर से लाइन निकला वो, और ई एस ई और डी एस इधर है, तो दोनों के बीच एंगल जीरो डिग्री बनेगा। यहाँ पर जो है यहाँ से जो ई निकल रहा हो वो ई इसी साइड जा रहा होगा, और यहाँ से फिर ई जो निकल रहा होगा इधर आ रहा होगा, यहाँ से वो भी इधर आ रहा होगा। तो यहाँ से इधर दोनों साइड निकल रहा है, ई जो है ई और डी एस के बीच एंगल जीरो डिग्री बनेगा, ई और डी एस के बीच यहाँ पर 90 डिग्री, और इधर ई और डी एस के बीच एंगल जीरो डिग्री बनेगा, मतलब फेस वन पे जीरो डिग्री बन रहा है, फेस टू पर जीरो डिग्री बन रहा है, फेस थर्ड पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए ई डी एस यहाँ पर फेस वन पर बन रहा है जीरो डिग्री, तो हो जाएगा ई डी एस कोस जीरो डिग्री प्लस फेस टू पर बन रहा है ई डी एस कोस जीरो डिग्री, इधर भी था डी एस इधर है, ई भी इधर है जीरो डिग्री, और प्लस यहाँ पर बन गया ई डी एस कोस 90 डिग्री फेस थर्ड पर, फेस थर्ड पर जो कर्व सरफेस है उस पर 90 डिग्री घूम रहा है। एक कैलकुलेट करें कि हमें डी फाइव बराबर मिल जाएगा हमें खुद, डी फाइव बराबर ई डी एस कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो वैल्यू वन, यहाँ पे वन, ये कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा जीरो, जीरो के तरफ पूरा पूरा पार्ट जीरो हो गया खत्म, बचा ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो वैल्यू वन, ई डी एस यहाँ बचा, ई डी एस यहाँ बचा, तो जरा टू ई डी एस अलग अलग कर देते हैं। चलिए EDS बचा यहाँ पर, EDS बचा यहाँ पर, तो D5 बराबर हो गया 2 EDS, D5 बराबर हो गया 2 EDS। अब ये किसके लिए निकला है, तो ये छोटा सा DS के लिए निकला है, आपको टोटल कितने क्रिएट करना है दोनों साइड के लिए, टोटल कितने क्रिएट करना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इस फेस का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंड फेस,
इधर भी इसी तरह का इधर भी होगा, इसको बोलते हैं एंड फेस, एंड फेस एंड फेस ये कट सरफेस। तो एंड फेस का मतलब है कि यहां तो नहीं था तो कट सरफेस को कुछ रहा नहीं, सिर्फ इसकी तरह इसकी ले रहा। तो होल होल एंड फेस एंड फेस एंड फेस का बात करते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में डालेगा डी फाइल एंटीमेशन और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू ई डी एस, तो डी फाइव का इंटीग्रेशन मतलब फाइल आ गया यहां टू ई एस कांस्टेंट बाहर चला गया और डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं टू ई और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस का इंटीग्रेशन तो एस आएगा। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब ये वाला, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इसका इसका। तो इसका अगर रेडियस हम आर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि सरफेस को हम ए मान लें, इस सरफेस को हम लोग अगर ए मान लें, रेडियस आर से पाई आर स्क्वायर, इसका अगर हम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फाइव आर निकल गया 2e into pi r square, इसी इक्वेशन 2। अगर क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पावर 3 वाला सवाल हमें मिल रहा है तो यहां पर हमें 2e into pi r square निकल गया है। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर इतना बड़ा ये हो जाएगा मतलब 2e into pi r square बराबर उधर हो जाएगा q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 2e into pi r square ऐसे q, ये q का मतलब स्लो करो 2e into pi r square is equal to q, तो समझ लो जो q कौन सा q लिए है, कर्व सरफेस का q लिए है जो सरफेस का आया हुआ, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था सिग्मा, और अगर q क्या होता है बाय में इसका एरिया, टोटल एरिया तो क्यों किसके लिए है, क्यों तो सिर्फ इसके लिए, ये टोटल एरिया से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्यों क्या कहां का है बीच वाले का, ये जो दिख रहा है सर सिलेंडर का जो पीछे ऊंचा था ये वाला पार्ट इसे आगे बढ़ा हुआ कि यहां का इसका दिख रहा है, तो इसका एरिया का बात करेंगे सिग्मा बराबर क्यू बाय एरिया आएगा, एरिया यहां पर क्या होगा इसका, जब इसका अगर रेडियस आर या इसका रेडियस आर होगा तो इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्यू इंटू पाई आर स्क्वायर, तो अगर क्यू कैलकुलेट करते क्या है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर कैंसिल उधर से इधर से कैंसिल हो गया, ये बराबर क्या मिल गया, सॉरी मिस्टेक यहाँ पर थोड़ा सा क्यू और पाई आर स्क्वायर नोट है, तो ये बराबर क्या मिल गया सिग्मा बाय में टू एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया आपका सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, किसका निकला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस चार्ज का, हमें सरफेस चार्ज अपने को मिला हुआ है, जो सरफेस चार्ज मिला हुआ है कैसे चार्ज है बहुत पतला है, इसमें इधर जो पॉजिटिव दिख रहा है वही पॉजिटिव इधर भी सेम पॉजिटिव, इधर से देखो इधर से देखो इतना पतला कि इधर पॉजिटिव इधर दोनों सेम से, तो इसके कारण कोई पॉइंट यहाँ ले लो P, इस P पर कितना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा तो कैलकुलेशन करके लाया गया सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा और बाय में टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इस पॉइंट का। चलिए अच्छा, अगर यह मोटा होता, अगर यही सरफेस चार्ज जो है सरफेस चार्ज मोटा होता मतलब इतना होता, जैसे इसको देख लीजिए अब ये नहीं है, अब ये अगर है तो ये है, इस जगह पर देखिए तो सरफेस चार्ज की अगर बात करते हैं तो सरफेस आप देखिए इस पर जो चार्ज है इस साइड वही सेम चार्ज इधर से दिख नहीं सकता, इधर अलग चार्ज होगा, यहाँ पर सिलेंडर का बात करते हैं, यहाँ पर सिलेंडर होगा ऐसे सिलेंडर पर जाएगा, यहाँ पर ऐसे गोला और यहाँ पर भी ऐसे गोला होगा, यहाँ पर भी ऐसे गोला होगा, तो इधर जो इस तरीके से जो चार्ज है वो चार्ज अपना काम कर रहा होगा और इस तरफ जो चार्ज है वो अपना काम कर रहा होगा, दोनों चार्ज अलग अलग होंगे, उसमें था दोनों में सेम सेम था, दोनों साइड चूंकि पतला था सेम चार्ज था दोनों साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर इस साइड के लिए अलग चार्ज है इस साइड के लिए अलग चार्ज है,
ठीक है, यहाँ पर चार्ज डबल हो जाएगा, क्या होगा चार्ज डबल हो जाएगा, कब जब ये मोटा हो जाए, फाइनाइट थिकनेस हो जाएगा इसका, जो था इसका अगर फाइनाइट थिकनेस हो जाए कुछ मोटाई का मोटापन इसके अंदर आ जाए, तो उस केस में दोनों साइड चार्ज अलग हो जाएगा, सरफेस अलग बन जाएगा, सरफेस अलग बन जाएगा, इसका अलग चार्ज होगा q, इसका चार्ज अलग होगा q, मतलब q और q, 2q टोटल चार्ज काम करेगा, ठीक है, तो जब 2q टोटल चार्ज काम करेगा उसके लिए क्या क्या होगा देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, क्या बताना चाह रहे हैं, जब ऐसा होगा फाइनाइट थिकनेस होगा उस केस में क्वेश्चन सरफेस यहां से एक पाइप जो इधर से उधर पास करे सिलिंड्रिकल सेट वाला, उसका इधर भी एक चार्ज होगा q, जो हम स्मॉल q माने थे, और इधर भी एक चार्ज होगा q, दोनों सेम चार्ज तो होगा नहीं, ये q अलग है वो अलग है, तो q और q टोटल चार्ज उससे इनक्लोज करेगा, उसके अंदर जो पैक होगा क्वेश्चन सरफेस के अंदर पैक होगा वो q प्लस q क्या हो जाएगा 2q, और यहां पर लिखे कि अगर सरफेस इस फाइनाइट थिकनेस का कुछ थिकनेस उसमें आ जाता है, देन देयर विल बी 2q चार्ज इनक्लोज इन क्वेश्चन सरफेस, क्वेश्चन सरफेस में क्या होगा 2q चार्ज इनक्लोज होगा, सिर्फ q चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हम जो पीछे कैलकुलेशन किए थे पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन सरफेस के हिसाब से गॉस थ्योरम according to मौसम के साथ एक फाइव आर सिर्फ क्यों नहीं टू क्यों बैलेंस होने लग जाएगा, तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने को मिला था टू ई इनटू फाइव आर स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू बैलेंस होने नॉट, ये था क्योंकि वास्तव में हम पीछे एक्सप्रेशन से लाए थे इसको, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और e बराबर हो जाएगा e into pi r square बराबर हो जाएगा q का वैल्यू, यहां पर q का वैल्यू देखिए q बराबर हो गया था सिग्मा into pi r square by epsilon naught, तो pi r square कैंसिल हो गया इससे तो आ गया e बराबर सिग्मा by epsilon naught, मतलब
अगर फाइनाइट थिकनेस रहा, अगर फाइनाइट थिकनेस रहा तो इस केस में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा नॉट क्यू। गॉस थ्योरम से इसको कंफ्यूज ना करिएगा, गॉस थ्योरम में फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन होते हैं, पर क्यू नहीं है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ये थिकनेस रहेगा तब, अगर ये पतला रह गया, अगर ये पतला रह गया ऐसा रह गया, ऐसा रहा, इसमें बहुत पतला है, इसमें क्या इधर का चार्ज होगा तो वो सेम सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं, इधर से पॉजिटिव दिखा हुआ पॉजिटिव उधर से भी दिखा, तो इस केस में इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 * एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार ये गॉस थ्योरम का चैप्टर फॉर चैप्टर कंप्लीट हुआ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगले क्लास में देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, थैंक यू।